अभी तक आपने देखा कि हमारी इन चर्चाओं में जहाँ पर चुनावी तर्क वितर्क चल रहा है, चुनावी माहौल को लेकर के तमाम कई सारे विषय वस्तु हमारे सामने होते हैं। कहीं ना कहीं पर हमें लगा कि थोड़ा सा जो है तो युवाओं को ही मौका देना चाहिए और ख़ास तौर पर उन युवाओं को जो कहीं ना कहीं पर आज राजनीति में हैं, राजनीति में सक्रियता से कार्य करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी और आज वर्तमान की स्थिति में देखा जाता है जहाँ पर कि अगर युवाओं की भागीदारी तो चुनाव के समय में विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बतौर एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की कोई बैठक हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, हर तरफ से जो है तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को याद किया जाता है। लेकिन जब अवसर की बात आती है तब युवाओं को याद नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं पर आज देखा जाता है जो क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं, कहने के लिए अनूपपुर ज़िले में तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, सांसद, मंत्री, विधायक, हर तरह के लोग हैं और प्रदेश लेवल के नेता भी इसी अनूपपुर ज़िले में मौजूद होते हैं। अब बात आती है युवाओं की, तो युवाओं की भागीदारी, तो सबसे पहले आज हमारे साथ इस खास चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता जो कि पिछड़ा वर्ग से मोर्चा से रिलेटेड हैं, यहाँ पर आकाश रजक। तो आकाश रजक जी से जानते हैं कि राजनीति में जो है तो युवाओं की क्या भूमिका होती है और युवाओं का जो महत्व है यहाँ पर क्या है। आकाश, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में आप लोग हैं तो राजनीति में कर आने के बाद जो है तो आप लोगों ने क्या देखा, क्या महसूस किया कि युवाओं की जो भागीदारी होती है वो कहाँ तक सीमित है? पहले तो भैया आपको सादर धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम युवाओं की आवाज़ जनता जनार्दनों तक पहुँचाने का ये अमूल काम किया है। अब बात करते हैं हम, जैसे भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ भारतीय जनता पिछड़ा वर्ग मोर्चे से। तो कार्यकर्ताओं का देखिए मेन रूप तो ये होता है, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए हम एक समर्पित कार्यकर्ता होते हैं और हमें भारतीय जनता पार्टी की हमें संस्कृति ने सिखाया है कि हम लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ। कार्यकर्ता का यही एक काम होता है और अपनी पार्टी के लिए हम सदा निष्ठावान कार्यकर्ता बनकर एक अच्छा काम करें, यही हम कार्यकर्ताओं का काम रहता है। देखिए अब आप लोग क्या है, कोतमा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ के रहवासी हैं। कोतमा विधानसभा क्षेत्र में तमाम देखा जा रहा है कई वर्षों से, देखिए कभी भाजपा के विधायक रहे, कभी अभी विगत दो पंचवर्षीय जो कार्यकाल था कांग्रेस के विधायक थे, कहीं ना कहीं पर क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण कार्य गतिविधियाँ जो थी, मूलभूत सुविधाएं थी, उनको लेकर के तमाम जो है तो कई बार जो है तो बातें सामने आई, सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं, अखबारों में छप रहा है। तो आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्या क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं आज, जो असुविधाएँ हैं और इनको लेकर के जो है तो आज लोग मैदान में हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, युवा हैं इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र के युवा होने के नाते जो है तो आप लोग क्या चाहते हैं, इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए और किस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए? भैया सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में रोज़गार की बड़ी मारामारी है, युवा वर्ग हमारे रोज़गार नहीं कर पा रहे हैं, तमाम तरह के नशा में पीड़ित हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधियों को युवाओं के रोज़गार के लिए सोचना चाहिए। यहाँ पर GMS एक कंपनी आई हुई है जहाँ पे लोकल लोगों को भर्ती नहीं करा जा रहा है। स्थानीय विधायक यहाँ पे कांग्रेस के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको तो बस अपना तानाशाही चलाना है, रिवॉल्वर धर के एक्टिंग बाजी करना है। आखिर मैं ये पूछता हूँ विधायक जी से कि उनको क्या ज़रूरत है यहाँ पे रिवॉल्वर लेके घूमने की इस क्षेत्र में? क्या वो क्षेत्र की जनता से डरते हैं जिन्होंने उनको भरोसा कर जिताया है? तो वो जनता से डर रहे हैं तो रिवॉल्वर लेके घूम रहे हैं, कभी वो फायरिंग कर देते हैं, कभी वो छेड़खानी कर देते हैं। तो मैं कांग्रेस के विधायक से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारा क्षेत्र कोल माइन से घिरा हुआ है, ये आप भी जानते हैं, कोल माइन से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक भी हमारा लोकल लड़का ना कोल माइन्स में प्राइवेट अब हो चुकी हैं, ना यहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रहा है, ना GMS कंपनी में भर्ती हो पा रही है। तो यहाँ के स्थानीय विधायक कर क्या रहे हैं? 15 महीने की सरकार आई, सिर्फ तानाशाह चलाया गया है, एक भी काम युवाओं के लिए नहीं किया है। आपको मैं बता दूं, विधायक बनने से पहले जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो भरे गांधी चौक में, कोतमा का हृदय स्थल है गांधी चौक, यहाँ पे उन्होंने स्टाम्प पेपर में लिख के दिया था स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मैं अच्छा करके दूंगा। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आप यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाएंगे, वहाँ पर स्थिति ऐसी चरमराई हुई है, एक भी अगर पेशेंट जाता है तो सीधे उसको यहाँ से अनूपपुर रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे हमें अच्छे डॉक्टर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, सबसे बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य की चल रही है। और अभी कि मैं कुछ दिन पहले की एक बात बता रहा हूँ, एक घटना हुई थी, मेरा मित्र है एक वार्ड क्रमांक 4 का, उसकी मिसेज डिलीवरी का समय चल रहा था,
तो वो सरकारी हॉस्पिटल सामुदायिक यहीं कोतमा लेके गया, वहाँ पे उनके बच्चों को बताया गया कि पेट में बच्चा मृत हो चुका है। लेकिन वहीं बलिया में, यहाँ बलिया बड़ी काफ़ी फेमस है डिलीवरी के मामले में, अनीता दीदी हैं वो अच्छा डिलीवरी यहाँ पे सेवा दे रही हैं, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी एक घंटे में करा दी। तो ये है यहाँ की स्थिति कि बच्चे को मृत घोषित कर दिया जा रहा है, जीवित बच्चे को, ये स्थिति चल रही है। तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जाए, रोज़गार के विषय में सोचा जाए, और यहाँ पे कॉलेजेस तो हैं लेकिन वहाँ पे भी सुविधा कोई ठीक ठाक है नहीं। वहाँ की फैकल्टीज़ देखेंगे बस लापरवाही में चल रहे हैं, मतलब सिर्फ यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को जिता दिया जाए वाहवाही लूटने के लिए, रिवाल्वर लेके घूमने के लिए, छेड़खानी करने के लिए। ये है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ हमारे प्रदेश की अगर बात की जाए तो वो घर हो, आवास के माध्यम से लोगों को एक छत दिया है, शौचालय दिया है घर में ताकि वो बाहर शौच ना कर पाए, और क्या बोलते लाडली बहना योजना के तहत हमारी बहन बेटियों को आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है। देखिए आकाश जी, क्या है कि अगर आप सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं तो सरकार की योजनाएं देखिए पूरे प्रदेश स्तर पर चलती हैं, ठीक है, चाहे केंद्र की हो और चाहे स्टेट की हो। जी जी। तो यहाँ पर जो है तो मुद्दा सिर्फ क्षेत्र को लेकर के है, क्षेत्र के विषय में जितनी जानकारियाँ आप दे सकते हैं और जो क्षेत्र की ज़रूरतें हैं आप उस पर प्रकाश डालिए, उस पर उसको जो है तो जनता के सामने लाइए, क्योंकि आप युवा वर्ग हैं। जी। अब देखिए भैया, बात अगर करें विधानसभा की, तो मेरा ऐसा मानना है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा ऐसा सोचना है कि टिकट, अगर टिकट की बात की जाए तो टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता हो। ऐसा नहीं कि टिकट पा जाए, जीत जाए, फिर कार्यकर्ताओं को लात मार दे, है ना। तो कार्यकर्ता केवल झंडा या बैनर लगाने के लिए नहीं होता है, कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा आगे भी कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। तो टिकट का मामला है तो टिकट तो किसी अच्छे व्यक्ति को ही देना चाहिए जो स्वच्छ हो, जिसकी छवि अच्छी हो क्षेत्र में, और जो समाज के बीच में अच्छा काम कर रहा हो, टिकट उसे देना चाहिए। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षम है इस विधानसभा में, इस विधानसभा ही नहीं, अपने ज़िले के तीनों विधानसभा में, पुष्पराजगढ़ हो गया, अनूपपुर हो गया, कोतमा विधानसभा हो गया, ये तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता सक्षम है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक हम यहाँ पर बैठा देंगे। देखिए क्या है, आपने कैंडिडेट की बात कही, तो अगर टिकट वितरण की बात है जी, तो आपकी पार्टियां सर्वे करा रही, भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी, सभी दल जो है तो अपने अपने तरफ से खींचतान कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अच्छा। लेकिन दूसरा सवाल अब यहां पर यह आता है कि अब आपने कहा कि जैसे सरकार को लेकर के अब आपकी सरकार नहीं रहेगी, अब आपका क्षेत्रीय विधायक भाजपा से बन गया जी, अब कल वो ये बात कहता कि नहीं मेरी सरकार नहीं है तो मैं क्या करूँ। नहीं देखिए, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसकी पावर होती है। अब जैसे आप अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, यहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेसी हैं, तो वो अगर ये चीज़ कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र के लिए क्या करूँ, तो भाई तुमको इतना सरकार फंड देती है, क्षेत्रों के लिए, क्षेत्र का विकास करो, उस फंड से करो तुम। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि MLA का कोई पावर नहीं होता, सत्ता का हो तभी वो काम कर सकता है। सवाल है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपका जो विधायक है काम नहीं कर पा रहा, आपकी पार्टी का है, तब आप लोग कैसे कदम उठाएंगे यहाँ पर। देखिए हमारा तो पहला कर्तव्य है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता एक अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी काम कर रहे हैं, केंद्र में हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। तो जब जनप्रतिनिधि बनता है व्यक्ति, तो कोई नेता जनप्रतिनिधि जब हो जाता है तो एक उसके अंदर लगन तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है, और काम होगा क्षेत्र का। इतना तो हम भरोसे के साथ आपको बता रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक हमारे विधानसभा में बैठता है तो यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक होगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा ही होगा। आखिर इतने दिन से विधायक जी बैठे हैं कांग्रेस के, क्या कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटा सा रोजगार तक तो दिला नहीं पा रहे हैं, और बात करते हैं बड़ी बड़ी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस, अब मैं युवाओं के बीच अपनी बातें रखना चाहूँगा कि आप सभी आगामी विधानसभा चुनाव में, देखिए हमारा सबसे पहले अगर कोई प्रत्याशी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही हमारी प्रत्याशी है जिसके लिए हम काम करेंगे। हम सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ, सभी युवा भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस विधानसभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें
और अभी विधानसभा में हमारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है आकाश जी, और यहाँ पर से इस चर्चा को विराम देते हैं। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।